बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद वला आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग हैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ लेके आई हूँ आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग, और इसका हर सेगमेंट जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। तो ये था जी एक बड़ा यादगार सा हमारा जो है वो पीरियड, और जो है हमने बहुत जो है वो इंजॉय किया, और बहुत मिस कर रही हूँ मैं ये सारी मोमेंट्स। और बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया, और बहुत अच्छी जो है वो हमारी समर वेकेशंस गुजरी। और ये एक यादगार सफ़र था जिसके छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बहुत जो है ना अच्छा मौसम है आजकल का इस्लामाबाद का। आप बताएं आप लोगों के इलाकों का मौसम कैसा है। और जो है वो हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे लूडो, और साथ में जो है वो ये बचपन की कुछ यादें जो हैं वो ताज़ा की, और साथ साथ हम लोग खेल रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये गेम होती है, बादशाह बादशाह का वज़ीर कौन, और ये बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया, और साथ साथ हम लोगों ने फलूदा इंजॉय किया। तो गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मेरा फलूदा खाने को बहुत दिल कर रहा था। फिर मैंने काफ़ी सारे व्लॉगर्स को देखा कि इस्लामाबाद का फलूदा कहाँ का अच्छा है, और जिसमें रबड़ी भी हो, कुल्फ़ी भी हो, और सब कुछ उसके आइटम्स पूरे हों। तो इसमें सिर्फ तुखमलंगा की कमी थी, वो मैंने घर ही में सोक किया। और फ्रेस्को वालों का सुना था कि जो है ना वो फलूदा बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने जो है बहुत सारे रिव्यूज़ लेने के बाद यहाँ से फलूदा मंगवाया, और नो डाउट अच्छा था। लेकिन ये है कि जो हमारे गुजरात का फलूदा होता है इसके सामने जो है ना उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। बहरहाल काफ़ी अच्छा था, टेस्ट ओवरऑल अच्छा था, तो हमने इसको इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। कुछ छोटी छोटी सी जो है ना वो मैंने साथ साथ क्लिप्स जो हैं वो शूट की थी, और मैं इस पीरियड को भरपूर बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। और वैसे मैंने सारा कंटेंट जमा करके रखा था ताकि मैं जब मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, और साथ साथ हम लोग इंजॉय कर रहे थे। तो जो है ना कुछ
कुछ मूवीज, कुछ नेटफ्लिक्स और साथ में जो है वो मज़ेदार सा ये ट्रिप था हमारा, तो हमने इसको भरपूर किस्म का एंजॉय किया। और फिर मेरी जो है वो बच्चों की हाला जो है वो इन सब को लेके गई थी डायनो वैली, और उसको भी हमने इतना मज़ेदार तरीके से एंजॉय किया। और मौसम इतना अच्छा था, लकीली हमारे पहुँचते ही वहाँ पर बारिश हो रही थी, और इतना खूबसूरत व्यू था, इतना खूबसूरत व्यू था कि मैं शायद इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो हमने इसको बहुत इंजॉय किया। आप भी इसको देखिए और इंजॉय करें। आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत ये मंज़र लग रहा है। और यहाँ पर मुनाल वालों की तरफ से ही एक बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, इधर ही डायनो वैली चूँकि उन्हीं की है, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा एक रेस्टोरेंट था। हमने वहाँ से फ्राइज़ लिए, कुछ हल्की फुल्की सी रिफ़्रेशमेंट की बच्चों के साथ, और फिर हम आगे चले गए बच्चों की राइड्स पर। और फिर बच्चों ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, और बहुत एक पुरलुत्फ़ और यादगार सा ये थ्रू आउट सफ़र था, और एक बहुत मज़ेदार सा हम लोगों ने यहाँ पर एक टूर किया और इसके कुछ क्लिप्स बनाए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और जब से जो मतलब सबसे मज़ेदार जो पॉइंट था ना, वो वीडियो के एंड पे है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। का व्यू और यहाँ की जो सारी लोकेशन है डायनो वैली की, मुनाल की, वो तो नो डाउट के इट सेल्फ ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन वेदर ने इसको चार चांद लगा दिए थे। वेदर अच्छा होने के साथ साथ मतलब हमारी जो इन्जॉयमेंट थी वो दुबाला हो गई थी। और जो है हम लोग ये सुन रहे हैं कि मुनाल जो है वो बहुत जल्द बंद हो रहा है, बस कुछ तनाज़ात हैं उसके, लेकिन ये है कि उससे ऊपर डायनो वैली भी बड़ी खूबसूरत है, ये भी मुनाल वालों की है जो है ना। बहुत ये एक अफसोसनाक खबर है कि मुनाल जो है वो इस्लामाबाद और दीगर जो बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, टूर के लिए, उनके लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही समझे कि अच्छी जगह मानी जाती थी, और लोग यहाँ पर आकर बहुत एंजॉय करते थे। लोकल इस्लामाबाद के लोग भी, पिंडी के लोग भी, और साथ साथ ये है कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते थे और बहुत यहाँ पर इंजॉय करते थे। बट पता नहीं क्या सिचुएशन है, क्या वजूहात है, मुझे नहीं पता कि क्यों ये बंद हो रहा है, लेकिन ये है कि बहुत ही समझे कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है, और वो बहुत सारे लोग इस वजह से जो है वो परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को यहाँ का व्यू, यहाँ का खाना और दीगर जो है ना सारी यहाँ की सिचुएशंस और जो है ना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे यहाँ पर आना। और जो है बेशक उनके रेट्स बहुत हाई थे, लेकिन लोग वहाँ का व्यू जो है ना वो बहुत इन्जॉय करते थे।
तो अल्लाह ताला खैर करे उनके लिए भी, इसमें भी मैं नहीं जानती कि क्या वजूहात है और क्या इनका जो है वो तनाज़ात चल रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर आप डाइनो वैली देखें तो ये इतना खूबसूरत मंज़र था, और बारिश के साथ साथ इस तरह से था कि जैसे फोग है, और इतनी खूबसूरत ये लग रही थी व्यू के मैं कैमरा शायद 50% भी इसको कैप्चर नहीं कर पाया जो इंसानी आँख देख रही थी, और कितना खूबसूरत और कितना प्यारा ये मंज़र लग रहा था। तो हमने इसको बड़ा इंजॉय किया, और जो है हमने इसको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए भी देख रही हूँ तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये सारा। और जो है ना, बस मेरे ख्याल में जो लोग इतनी दूर नारान कागान और दीगर इतनी इतनी जगह पर जाते हैं तो वो एक दफ़ा यहाँ भी जाकर ज़रूर देखें और यहाँ पर एंजॉय करें। जो कॉस्ट उन्होंने इतनी दूर जाके पे करनी है वो यहाँ पर आप अपने बच्चों को लेकर जाएं तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो बड़ा ही जो है बच्चों ने भी इंजॉय किया, राइड्स ली, और इनके अपने अपने पैकेजेस थे, कुछ बैंड्स बने थे जो वो बच्चों को लगाते थे, उसकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन थी, मतलब अलग अलग उनकी कीमतें थी, उस हिसाब से अलग अलग राइड्स का उन्होंने सारा बताया हुआ था कि इसमें इतनी राइड्स हैं, इसमें इतनी राइड्स हैं, एंट्री फ़ी अलग से थी, और फिर जो अपर हमने बैंड लेने थे वो अलग थे, फिर ऊपर जो है वो वॉक इन था, वॉक इन के लिए अलग से चार्जेस थे। तो कॉस्ट तो काफ़ी अच्छी खासी थी, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि बच्चे इसको कितना इंजॉय कर रहे हैं और आप खुद इटसेल्फ इसको कितना इंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कॉस्ट भी मैटर नहीं करती जब आप किसी टूर को भरपूर इंजॉय करते हैं और एक पुरसकून पुरलुत्फ सा माहौल हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, डाइनो डांसिंग शो था ये, इतना खूबसूरत और इतना मज़ेदार था, इतना एंटरटेनिंग था, और इसके इतने मज़ेदार म्यूजिक्स थे, लेकिन ये है कि मुझे कॉपीराइट इशू की वजह से इसको स्किप, मतलब म्यूट करना पड़ा, लेकिन ये इतना समझे कि कुछ बच्चों के लिए हॉरिबल था, वो पीछे से चीख रहे थे, और इतनी प्यारी जो है ना, मुझे तो ये बहुत मज़े का लगा, ये मैंने पहली दफ़ा यहाँ पर देखा था, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार डायनो का ये जो डांस था ना ये लगा। इतने अच्छे से ये लोग परफॉर्म कर रहे थे और इतना खूबसूरत ये लग रहा था कि मैं बस बता नहीं सकती, आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार है। तो बच्चों ने तो समझे कि अपनी वेकेशंस को ना भरपूर तरीके से इंजॉय किया, और जो है बस थैंक्स टू देयर हाला जो वो हमें यहाँ पर लेके गई, और हमने इतना इंजॉय किया कि अभी तक उसका जो है ना वो दिल में और आंखों के सामने जो है ना हम लोगों को वो भूल नहीं पा रहा। और ये वाकई ही सच है कि जब हम अपने किसी दोस्त के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो उसका मज़ा और ज़्यादा आता है बनिस्बत जब हम किसी अपने रिलेटिव के साथ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों की एक अल्लाह ताला ने खास जो है ना वो मुकाम रखा है, और उनके साथ आप लोगों को वो अपनी बचपन और वो अपना बचपना वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जो एक वक्त उनके साथ गुजरा होता है, और बंदा बहुत इंजॉय करता है। ज़रूरी नहीं कि हर दोस्त ही ऐसा हो, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक ब्लेसिंग है, और जो है अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है तो यकीन करें आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह ताला उनको कामयाबियां दे, और अल्लाह मेरी दोस्त को भी अपनी ज़िंदगी में इतना कामयाब करे और उनके बच्चों को कामयाब करे, और अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे। और बहुत सी दुआओं के साथ मैं आप सब लोगों से जो है वो इजाज़त चाहूँगी। आप लोग भी मेरी दोस्त के लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, और साथ साथ ये व्यूज़ और ये जो क्लिप्स हैं वो इंजॉय करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल, होप सो जल्दी फिर किसी नए व्लॉग के साथ, और आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें। और एंड पे मैं उन सब लोगों को जो मेरे साथ मेरे हम सफ़र थे यहाँ तक, और जो है इस सफ़र में, उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ, वॉइस ओवर करते हुए मुझे सबकी बहुत याद आ रही है, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, उन सबका मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। अल्लाह ताला उन लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह ताला जो है अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजे। तो बड़ा खूबसूरत सा ये मंज़र था, अगेन 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 मैं यही कह रही हूँ आप लोग इसको इंजॉय करें, और मेरी रिकमेंडेशन पर एक दफ़ा आप भी ज़रूर जाएं और बहुत मज़ा आएगा। दावे इधर आओ। आज इधर आओ, वो ड्रम बजाएं, ड्रम।
आज उन्होंने गए ड्रम जावियर उमान उसको बोलो बटन दबाओ प्रेस ग्रीन ग्रीन बटन एंड रेड बटन प्रेस जोर से प्रेस Thank you.